ऐसा लगा कि दुबई एयरपोर्ट पे आ गया हूँ। सबसे पहले शत्रु भैया प्रणाम। बचपन से बड़े होके पर्दे पर जो दहाड़ सुनते थे, उस दहाड़ के कारण पर्दा छोटा लगने लगता था जब हम गांव के पंडाल में सिनेमा देखते थे, और उसमें शत्रु भैया जैसी पर्सनालिटी जब पर्दे पे आती थी तो हम लोगों का चेहरा, तालियां और दिल दोनों जो है एक साथ बजते थे। और ऊपर वाले से यही दुआ करता हूँ कि हमेशा शत्रु भैया जैसे व्यक्तित्व हमारे देश में पैदा होते रहें और हमारे देश का नाम रोशन होता रहे। बहुत बहुत शुभकामना, शुभाशीष और शुभाशीर्वाद सिद्धू साहब। मुझे लगता है कि जिस तरीके से आज ये चौथी पीढ़ी और एक जन्मदिन के रूप में आज इसको सेलिब्रेट करेंगे, ये लाफ्टर चैलेंज के माध्यम से एक आदमी झांसी में शो कर रहा है, एक आदमी 5,000 लोगों को जबलपुर में फेस कर रहा है, आई थिंक उसकी भी न्यूज़ चैनल के माध्यम से खबरें आती हैं, तो वो इस सब लाफ्टर चैलेंज की देन है। बोलते ना, हर चीज़ के पीछे एक बेस होता है, तो वो अगर पहली पीढ़ी वो बेस थी, आज वो एक वृक्ष के रूप में हो गई है, तो ये चौथा जो लाफ्टर चैलेंज है, हम अपने दिल से ये दुआएं करते हैं, सबके लिए शुभकामनाएं देते हैं कि ये फल देने वाला लाफ्टर चैलेंज बने, क्योंकि वृक्ष बड़ा होके फल ही देता है। आप सदा हंसते रहें, हम तो पहले से खुश हैं। बहुत जान है राजपाल यादव में, बहुत जान। छा गया गुरु, छा गया। थैंक यू। थैंक यू। बहुत जान है, बहुत जान है। थैंक यू सर, थैंक यू, शुक्रिया। और मैं फिर एक बार लाफ्टर चैलेंज की टीम को शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, क्योंकि मुझे इनसे शिकायत थी, पहले 3 सीज़न में मुझे बुलाया नहीं। मैं सच कहता हूँ, बहुत खुशकिस्मती है मेरी कि मेरा पहला प्लेबैक 1986 में जो पंचमदा ने मुझे मौका दिया था सर के लिए, मैंने प्लेबैक किया था। तो शत्रु जी, खास आपके लिए फिल्म कालीचरण का एक सीन मैं आपके सामने पेश करना चाहूँगा, कि उसी सीन से और आप लोगों की आवाज़ की वजह से हमारी रोजी रोटी चल रही सर। बड़ी बड़ी बातें करना तो हमें भी बहुत आती है प्रभाकर, लेकिन शायद तुम जानते नहीं कि सारा शहर मुझे लॉयन के नाम से जानता है, और इस शहर में मेरी हैसियत वही है जो जंगल में शेर की होती है। मानता हूं कि लोग आपको एक शेर के नाम से जानते हैं, लेकिन यह मत भूलिएगा सेठ दीनदयाल कि जब शेर आदमखोर बनता है तो सरकार उसे गोली का निशाना बनाकर कुत्ते की मौत मारती है, और इस बार इस शेर के शिकारी का नाम है प्रभाकर श्रीवास्तव। गुड बाय। बहुत बोलता है, विश हिम ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू वेरी मच। अदनान सामी जी बहुत बड़े कलाकार हैं, बहुत बड़े थे, अब छोटे हो गए, मतलब वे जमी रुक जाए, मान आए, हे राजे राजा जब नजर आए, मतलब प्यार करते थे, फिर बोर हो जाते थे खुद ही, आए छोड़ देते थे लड़की को। ऐसी बात हुई कि अदनान जी का जो गाना था कभी तो नजर मिलाओ, इतना प्यारा गीत था, वो गाना उन्होंने तो गाया है, लेकिन खुद गाने से पहले उन्होंने सोचा क्यों ना ये गीत मैं उन महान कलाकारों से गवाऊं, प्लेबैक सिंगर से। तो सबसे पहले अदनान जी कभी तो नज़र मिला और लिफ्ट करा दे, ये दो गाने लेकर पहुंचे थे किशोरदा के पास। अब किशोरदा ने जैसे अदनान सामी को दिया पियानो पे, देखा लेट के गाते हुए, तो बोले भोले भोले मेरे प्यारे सामी, मेरे सामी रे सामी, मेरे दुबले सामी, मेरे पतले सामी, कभी नजर मिला कभी पास भी आ, कभी नजर मिला कभी पास भी आ, जो नहीं कहा है उसको भी तू गुड़ गुड़ गोते खा के जरा समझ भी जा सामी रे। Hey!
बिजा। अदनान जी पहुंचे लेकर पंचमदा के पास। आर डी बर्मन साहब ने इस रोमांटिक गाने को अपने अंदाज में कैसे गाया? कभी कभी तो नजर मिलाओ, कभी कभी तो नबी पर आओ, जो नहीं है कहा, जो नहीं है कहा, समझ जाओ। अरे प्यार वाला गाना ऐसे गाओगे तो लड़कियां चली जाएंगी, कोई और आके काट जाएगा हमको। अमिताभ बच्चन बहुत बड़े फैन है अदनान जी के, तो उन्होंने बोला ये गाने तो गाते मैं भी तो अच्छा गाता हूँ, तो उन्होंने सोचा यही गाने कभी तो नज़र मिलाओ। अमित जी ने सोचा एक दिन वो खुद गाएं। एक पेड़ की डाली पकड़ के अमित जी सिलसिला के ज़माने में पहुँचे और वहाँ अपने आप से पेड़ को देख कर ही गाना गाया, गाया नहीं कहा। कभी कभी नजर तो मिलाओ, कभी कभी पास भी आओ, जो नहीं कहा है, जो नहीं कहा है, मैं जानता हूं मेरी हमनफस, मगर यूं ही कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है। तुम होती तो कैसा होता, तुम होती तो कैसा होता, तुम होती तो ऐसा होता, तुम ये कहती तुम वो कहती कि कैसे कैसों को दिया है आए। अरे कैसे कैसों को दिया है, ऐसे वैसों को दिया है, हमको भी तो लिफ्ट करा दे। अबे अबे ज्यादा हाथ नहीं मार वरना नारियल टूट जाएगा और यहाँ पे सारा कीचड़ हो जाएगा। वैसे यार इन बातों को छोड़ो, सिद्धू जी, शत्रु जी और ऑडियंस, हम दोनों की तरफ से आप सब लोगों को अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान से आया हूँ प्यार की सौगात लाया हूँ, पाकिस्तान से आया हूँ प्यार की सौगात लाया हूँ, आप सबको डराने के लिए चुड़ैल का बच्चा साथ लाया हूँ। वैसे यार हाँ, तू बड़ा लाल हो रहा है, क्या पैदा होते ही तंदूर में गिर गया था? माशाल्लाह तूने भी बड़ा सफेद ड्रेस पहना है, कफन पहना दिया, दफनाना भूल गए? वैसे यार तुम्हें देख के एक और शेर याद आ गया, जिंदगी की राहों में रंजो गम के मेले हैं। हाय हाय, जिंदगी की राहों में रंजो गम के मेले हैं, ताजमहल के बराबर में वड़ा पाव के ठेले हैं। वैसे यार ज्यादा बेइज्जती नहीं करो यार, हमने जो काम करना है ना हाँ, दोनों ने मिलके हाँ, उसकी तैयारी भी करनी है, चलो यहाँ से भाई चलते हैं। और पब्लिक के लिए आखिरी शेर अर्ज कर रहा हूँ। अच्छा, कि आप बैठ के एंजॉय कीजिए, आप बैठ के एंजॉय कीजिए, आप बैठ के एंजॉय कीजिए, सफेद खान और लाल बादशाह को इजाजत दीजिए।